अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जैस्मिन, आज मैं आपको कोफ्ते बनाना सिखाने जा रही हूँ। गाइस, मैंने एक कोफ्ता आपको सिखाया था, नरगसी कोफ्ता। आज मैं सिंपल कोफ्ता आलू के साथ बनाना सिखाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आधा किलो हमने कीमा लिया है, चार बड़ी प्याजे ली हैं हमने, इसको इस तरीके से कटिंग कर ली है। फिर मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जो इस तरीके से हमने कटिंग करा है। तीन चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तीन टमाटर जो बारीक बारीक काट लिए हमने, दो तेज पत्ता, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा, दो चार ये हमने लौंग ली है, काली मिर्च ली है, और ये तीन छोटी इलायची ली है, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। एक कटोरी हमने तेल लिया है, तीन चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, और कोफ्ते के कीमे के अंदर हरी मिर्च है इसलिए हमने कम लाल मिर्च ली है, और हल्दी लिया हमने हाफ स्पून, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और थोड़ा हम बचा लेंगे। इसमें हम आधी प्याज रखेंगे और आधी प्याज हम बचा लेंगे। गाइस, ये छोटे छोटे कोफ्ते बनेंगे। नरगिसी कोफ्ता मैंने सिखाया था आपको, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे और उसमें आलू नहीं डलता। इसमें मैं आलू डालूंगी और छोटे छोटे बनाऊंगी। और भी तरीके के कोफ्ते होते हैं, वो भी मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। इस तरीके से इसको हमें हाई फ्लेम पर थोड़ा फ्राई करना है। गाइस, जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, हम कीमे की तैयारी करते हैं। कीमा हमने इसमें शिफ्ट कर लिया है, आप इसमें नमक रखेंगे। कोफ्ते के कीमे के अंदर भी नमक होगा और आप ऊपर से भी रखेंगे मसाले के अंदर, इसीलिए आप अपने हिसाब से रखिएगा। थोड़ी सी हम लाल मिर्च रखेंगे, बस थोड़ी सी हम हल्दी रखेंगे, दो चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ये प्याज हमारा जो ब्राउन हो रहा है, ये प्याज हम कीमे के अंदर डालेंगे, और कीमे के अंदर डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला करके हम इसका कोफ्ता बनाएंगे। आपके पास ये गरम मसाले ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये सारी चीज़ें थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने डाल दी। ये सारी चीज़ें थी मेरे पास इसलिए मैंने डाल दिया। जैसे आपके पास जीरा नहीं है, लौंग इलायची, इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। गैस ऑफ करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे, अब इसको हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। गाइस, हमने इसमें शिफ्ट कर लिया है, अब इसको हम मिलाएंगे अच्छी तरह से। अभी गर्म है, थोड़ा वेट करेंगे ठंडा होने का, फिर इसके बाद हम कोफ्ते बनाएंगे। चलिए, हमें थोड़ी हरी मिर्च कम लग रही थी तो इसलिए हमने एक दो हरी मिर्च और डाल दी है ऊपर से। ये बहुत छोटे छोटे बनेंगे गाइस। इस तरीके से आपको बनाना है। गाइस, ये हमारा हाथ में नहीं चिपक रहा है क्योंकि इसमें हमने ऑयल डाला। जैसे ऑयल नहीं डालें, ऑयल डालने के बाद भी कभी कभी चिपकने लग जाता है, तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए या तो पानी लगा लीजिए। गाइस, देखिए इस तरीके से आपको एक बनाना है। देखिए, हमारे सेम एक साइज़ के बन रहे हैं, इसी तरीके से आपको बनाना है। अब बनाने के बाद ही सालन में जब जाएगा, मसाले में जाएगा, थोड़ा और सुखड़ने के बाद ये छोटे छोटे हो जाएंगे और ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने नहीं डाला है इसमें। आपको डालना हो तो सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालेगा, अदरक का पेस्ट नहीं डालेगा। अदरक का पेस्ट डालने से क्या है कि आपके कोफ्ते सारे टूट जाते हैं, तो आप अदरक नहीं डालिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि कोफ्ते में कभी भी सालन में रख दीजिएगा, लेकिन कोफ्ते जब बनाते वक्त आप अदरक नहीं रखिएगा। गाइस, देखिए हमारा आधा किलो में 18 कोफ्ते बने, इतने छोटे छोटे। हम मसाला भून करके कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन कर दिया है, अब इसमें जो हमारा ऑयल बचा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो हमारे प्याज बची थी, हम प्याज भी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे, बड़ी इलायची है, जितने भी हमारे गरम मसाले थे वो सब डाल देंगे। गाइस, हमारा प्याज हो चुका है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। गाइस, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अरे मसाले डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। अब 3 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। चलो, मीडियम फ्लेम पर भूनने के लिए छोड़ देंगे। गाइस, हमारे 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। थोड़ा सा इसमें पहले थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें, फिर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, और इसमें हम एक एक करके सारे कोफ्ते रखेंगे। गाइस,
गाइस हम कोफ्ते को चलाएंगे नहीं, उसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। ये पानी छोड़ेगा धीरे धीरे। 3 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं अब धीरे धीरे हम कोफ्ते को मसाले से मिलाएंगे। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है गाइस, इससे ये कि हमारे कोफ्ते टूट ना जाए। 1 गिलास पानी। अब इसको आप मसाले से मिला लीजिए धीरे धीरे, ज़्यादा मिलाने से हमारे कोफ्ते टूट जाए, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। 5 मिनट तक हम इसको ढक के रख देंगे लो फ्लेम पर। गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमारा कोफ्ता कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ। पानी तो सूख चुका है पूरा। आलू देखते हैं, आलू गला है कि नहीं गला। आलू गल चुका है गाइस, अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसका आपको कितना पानी डालना है, कितना शोरबा डालना है, उस हिसाब से शोरबा डालिएगा। मैं जैसे 1 गिलास पानी डाल दी, 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रख दीजिएगा। गाइस मैंने हाई फ्लेम पर रख दिया है, 2 मिनट के बाद इसमें उबाल आ जाएगा। उबाल आने के बाद आपका कोफ्ता कंप्लीट तैयार है। देखिए इसमें उबाल आने लगा है, ये देखिए उबाल आने लगा है। इसको शोरबा वाला बना रहे हैं, सूखा नहीं बना रहे हैं। अब ये हमारा कोफ्ता कंप्लीट होने वाला है। गाइस देखिए कोफ्ते में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से छिड़क देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे। गाइस मेरे कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।